हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको चिल्ड्रन एजुकेशन टू एम की एक और नए वीडियो में। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही आसान तरीकों से दो अंक घटाव सिखाने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, दो अंक घटाव बनाना बहुत ही आसान है। देखिए इसको कैसे बनाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों में 48 में से 25 को घटाना है। दोस्तों चलिए इसको सीखते हैं कैसे घटाया जाए। यहाँ पर दोस्तों राइट साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 8 और 5। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 8, तो हम क्या करेंगे, 8 के लिए 8 लाइन पाड़ेंगे। चलिए दोस्तों हम 8 लाइन पाड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 5। दोस्तों हम क्या करेंगे, 8 लाइनों में से 5 लाइनों को कट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2, 3। दोस्तों 8 में से 5 को घटाने पर क्या आया, 3। दोस्तों हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। ये हो गया हमारा इन दोनों अंकों का काम। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, 4 और 2। दोस्तों इसको भी उसी तरीके से करना है। दोस्तों ऊपर में है 4, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, 4 लाइनों में से 2 लाइनों को कट कर लेंगे। 1, 2। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसी तरीके से चलिए हम इनको गिनते हैं, 1, 2। दोस्तों 4 में से 2 को घटाने पर क्या आया, 2। दोस्तों हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे। और दोस्तों आपको यकीन नहीं होगा, ये आ गया हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। चलिए दोस्तों इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में आ जाए। दोस्तों यहाँ पर हमें उसी तरीके से 74 में से 32 को घटाना है। दोस्तों इस साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 4 और 2। दोस्तों ऊपर वाले अंक हमारा क्या है, 4, तो हम क्या करेंगे, 4 के लिए 4 लाइन पाड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 2, तो हम क्या करेंगे, उसी तरीके से 4 लाइनों में से 2 लाइनों को कट कर लेंगे। 1, 2। अब दोस्तों इसके बाद आपको क्या करना है, हमारा जो भी शेष लाइन बचा है उसको गिन लेना है। तो मेरे साथ गिनिए, 1, 2। दोस्तों उसी तरीके से 4 में से 2 को घटाने पर क्या आया, 2। दोस्तों हम यहाँ पर 2 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 7 और 3। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 7, तो हम क्या करेंगे, 7 के लिए 7 लाइन पाड़ेंगे। तो चलिए दोस्तों हम 7 के लिए 7 लाइन पाड़ लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 7 लाइनों में से 3 लाइनों को कट कर लेंगे। 1, 2, 3। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है चलिए हम उसको गिनते हैं, 1, 2, 3, 4। दोस्तों 7 में से 3 को घटाने पर क्या आया, 4। दोस्तों हम यहाँ पर 4 को लिख देंगे। और दोस्तों ये आ जाएगा हमारा उसी तरीके से बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों इसको भी समझ लेते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो इस तरीके के घटाव को बनाने में। दोस्तों यहाँ पर हमें 59 में से 36 को घटाना है। दोस्तों उसी तरीके से इस साइड से हमारा पहला अंक क्या है, 9 और 6। दोस्तों उसी तरीके से ऊपर में है 9, तो हम क्या करेंगे, 9 के लिए 9 लाइन पाड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 6, तो हम क्या करेंगे, 9 लाइनों में से 6 लाइनों को कट कर लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी शेष लाइन बचा है चलिए हम उसको गिनते हैं, 1, 2, 3। दोस्तों 9 में से 6 को घटाने पर क्या आया, 3। दोस्तों हम यहाँ पर 3 को लिख देंगे। अब दोस्तों इसके बाद क्या है, 5 और 3। दोस्तों ऊपर में है उसी तरीके से 5, तो हम क्या करेंगे, 5 के लिए 5 लाइन पाड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। अब दोस्तों इसके नीचे क्या है, 3, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइनों में से 3 लाइनों को कट कर लेंगे। 1
दो, तीन। अब दोस्तों इसके बाद हमारा जो भी सस लाइन बचा है चलिए हम उसको गिनते हैं। एक, दो। दोस्तों पाँच में से तीन को घटाने पर क्या आया? दो। दोस्तों हम यहाँ पर दो को लिख देंगे और दोस्तों ये हो जाएगा हमारा बहुत ही आसान तरीकों से आंसर। दोस्तों मुझे लगता है वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज दोस्तों वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।